हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विजया डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें कब और कहां चेक करना है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि लिस्टिंग वाले दिन हमें इस पर अप्रॉक्स कितना लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है। तो बात करें विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका लगातार ग्रे मार्केट का प्रीमियम गिर रहा है। भले ही ये अच्छी कंपनी है पर ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत कम है। तो बात करें आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है ₹4 पर शेयर, जो कि बहुत ही कम है। तो ये 28 शेयर का लॉट है, तो 4x28 करते हैं तो लगभग ₹112 हमें आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा बता रहा है। भले ही हमें इसमें लिस्टिंग गेंस कम देखने को मिले पर ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी है और इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और अब बात आती है इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें कब चेक करना है, तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें 8 सितंबर को चेक करना है। 8 सितंबर की शाम तक लगभग इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा, और जैसे ही इसका अलॉटमेंट स्टेटस आता है तो मैं तुरंत ही वीडियो डाल दूंगा। तो उसके लिए अब हमारे बेल आइकन पर दबा दे ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात आती है इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें कहां चेक करना है, तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें के फिनटेक की वेबसाइट पर सर्च करना है। तो के फिनटेक की वेबसाइट खोलकर हमें विजया डायग्नोस्टिक सेलेक्ट करना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के हम सर्च कर सकते हैं। तो हमारे अलॉट हुआ तो भी दिखा देगा, अगर अलॉट नहीं होता तो वो पूरी रिजल्ट वगैरह हमें दिखा देगा। अब बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की, तो उसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम मिला है और एमए ऑर्गेनिक से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा कम है इसका सब्सक्रिप्शन। तो 4.54 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, जो कि कंपनी को देखते हुए बहुत ही कम लग रहा है। पर एक पॉजिटिव बात है कि इसका क्यूआईबी पोर्शन थोड़ा अच्छा सब्सक्राइब हुआ है और बाकी सारे जो पोर्शन है वो बहुत कम सब्सक्राइब हुए हैं। ओवरऑल ये बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों, बाकी इस पर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में।